हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अपने आईफोन्स में से वायरस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। डे टू डे रूटीन में हम कुछ ऐसे टास्क वगैरह करते रहते हैं जिसके साथ हमारा जो आईफोन है उसमें वायरस ऑटोमेटिकली आ जाता है और अपने वॉइस जो है हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है जितनी कि उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आईफोन्स में से वायरस को रिमूव कर सकते हो और जो वायरस होता है वो किन किन कारणों से आपके डिवाइस में आ जाता है। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइज, वायरस जो होता है वो आपकी वेबसाइट्स के थ्रू भी आ सकता है और साथ में जब आप अपने पीसी के साथ किसी के भी अपने आईफोन को कनेक्ट करते हो तो उस टाइम के ऊपर भी आपके डिवाइस में वायरस जो है वो आ जाता है। तो इसलिए आपको अपने आईफोन को कभी भी किसी अननोन पर्सन के पीसी कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं करना है जिसके साथ आपके जो डिवाइस में वायरस कभी भी नहीं आएगा। सेकंड नंबर के ऊपर वायरस आता है सफारी ब्राउज़र में से या किसी और ब्राउज़र में से। जब आपको कोई अननोन यहाँ पर पॉपअप देखने को मिल जाता है जो कि अटेंशन का होता है तो उसके ऊपर जब आप ओके कर देते हो या डन कर देते हो तो तब भी आपके डिवाइस में वायरस जो है वो आ जाता है। थर्ड नंबर के ऊपर वायरस आता है जब आप किसी वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो अपने आईफोन में से, तब भी वायरस इंस्टॉल हो जाता है अपने डिवाइस में ऑटोमेटिकली और अपना डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आपको उसे कैसे फिक्स करना है, तो आपको ये सभी चीज़ें कभी भी नहीं करनी है जिसके साथ आपका जो डिवाइस है वो आपको वायरस प्रोवाइड करे। तो उसके बाद बात आती है आपको कैसे फिक्स करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सफारी का ऑप्शन। सफारी में जाओ और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा। आपको यहाँ पर ऑल हिस्ट्री के ऊपर टैप करना है। क्लोज ऑल टैब के ऊपर टैप करके क्लियर हिस्ट्री के ऊपर टैप कर दो और आपके सफारी ब्राउज़र में से जो भी टैब्स ओपन हुए होंगे, जो भी आपने सर्चिंग वगैरह करी होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी और इसके साथ जो भी आपने सर्च किया होगा वो सारा का सारा आपके सफारी ब्राउज़र में से क्लियर होगा और आपकी जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने से काफ़ी सारे जो इश्यूज़ होते हैं अपने डिवाइस में, जैसे कि एप्लीकेशंस का क्रैशिंग इशू और साथ में जो भी आपको ग्लिचेस देखने को मिलते हैं अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर या होम स्क्रीन के ऊपर, वो भी फिक्स हो जाते हैं। अगर आपका डिवाइस आपको बैटरी बैकअप भी बढ़िया नहीं दे रहा है तो तब भी कुछ फिक्सेस जो हैं वो रीस्टार्ट करने से ही हो जाते हैं। इस तरीके से आप अपने डिवाइस में से वायरस को रिमूव कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।